जनपद मैनपुरी में किसानों की समस्याओं का मामला दिनों दिन गहराता जा रहा है। करहल रजवाहा में पानी न आने व किसानों की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के नेतागण करहल तहसील मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने करहल तहसील मुख्यालय पर पहुंच तमाम पीड़ित किसानों काश्तकारों के साथ प्रदर्शन किया। किसानों काश्तकारों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से वार्ता की है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय प्रमुख सचिव ठाकुर सत्यपाल सिंह चौहान व प्रदेश सचिव शैलेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में किसानों काश्तकारों ने उप जिलाधिकारी गोपाल शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में किसानों को सिंचाई हेतु निशुल्क बिजली देने व अन्य तमाम समस्याओं के निराकरण की पुरजोर मांग की गई है। इस दौरान किसानों काश्तकारों ने करहर रजवाहा में शीघ्र सफाई कराए जाने एवं रजवाहा के अंतिम बिंदु तक पानी पहुंचाने की अधिकारियों से मांग रखी है। अधिकारियों ने समस्याओं का निराकरण करने की बात भी कही है। शुभ नाम। अच्छा, आप ये तमाम नेताओं के साथ तहसील मुख्यालय पर आए, क्या समस्या लेके आए? बम्मा की सफाई अभी तक नहीं हुई है। बम्मा लोग परेशान है, किसान पानी तक अभी तक नहीं पहुंच रहा, पौधों तक पानी, पौधे नहीं बुक पाई, लोगों की पानी नहीं आ रहा है। शुभ नाम। अच्छा, आप ये तहसील मुख्यालय पे आए, क्या समस्या लेके आए? समस्या ये है, ये करहलवार बम्मा जो है रेवा बम्मा जी, इसमें बूंद नहीं आ रही, दो तीन साल हो गए, झड़ाई हो रही है। क्या दिक्कत आ रही पानी ना आने से? पानी उसमें बेल इतनी दिली है, पानी बिल्कुल बूंद नहीं आ रही है। प्रशासन से क्या मांग करते हो? ये मांग कर रहे हैं हमारे बम्बे की सफाई हो जाए। नेता जी, करहल रजवा में पानी लेकर के बहुत समय से किसान परेशान हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? करहल रजवे में पानी नहीं आ रहा है, उसकी सफाई नहीं हुई है। इस संबंध में हमने अपने राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव साहब से कहा, माननीय सतपाल सिंह जी आज आए हैं, जिलाधिकारी महोदय से बात होगी, अगर उसकी सफाई 10 दिन के अंदर पानी नहीं पहुंचा तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति आंदोलन करेगी, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जी अरे, आप करहल तहसील मुख्यालय पर आए हैं, बहुत सारे किसानों ने शिकायतें की हैं अपनी समस्याओं को लेकर, करहल रजवाहा में पानी न आने की लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं, इसके लिए आप करहल आए, क्या कदम उठाने आए हैं? जी, उसके लिए आज हम, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाह रहा हूँ। मेरा नाम सत्यवान चौहान है, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ, हरियाणा मध्य प्रदेश का प्रभारी हूँ। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की टीम आज यहाँ आई हुई है। पहला तो मुख्य बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बजट प्रस्तावित किया था, उस बजट में कहा था कि किसानों के सरकारी ट्यूबवेल के बिल माफ होंगे, वो बिल आज तक माफ नहीं हुए हैं। उसी के लिए मैं 9 तारीख को, 9 अगस्त को हमारा लखनऊ में बहुत बड़ा आंदोलन है। उस दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचेंगे, हो सकता लाखों की भीड़ हो। मेरा अनुरोध यह है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही हमारा ज्ञापन लेने आए, या हमारा प्रतिनिधि मंडल को बोल दें, वो हम 10-11 लोग उनको ज्ञापन देके आएंगे, जिससे कि हमारे किसानों के बिजली के बिल माफ हो सके। बात जी, करैल में जो पानी भर रहा है उसके लिए भी आज हमने, इसीलिए सरेंद्र यादव जी जो हमारे हैं प्रदेश उपाध्यक्ष जो है, इनको बुलाया है, इनके क्षेत्र के लोग आए, इनकी समस्याएं भी, क्योंकि अभी मैंने मौके पर जाकर नहीं देख पाई ये लोग, इसीलिए मौके पर। बहुत सारे किसानों ने शिकायत की है कि रजवा पानी नहीं आ रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए SDM साहब से यही कहना चाहेंगे कि इसका समाधान जल्दी से जल्दी निकालेंगे, सरकार ही निकालती है, हम तो केवल समस्याओं को बताते हैं, निकालेंगे ये समस्या, कहाँ से क्या होगा, कहाँ पर ट्यूबवेल बनेंगे, कहाँ पर क्या होगा, वो इनके किसानों को क्या आश्वासन देके जा रहे हैं आप? किसानों को यह आश्वासन देना चाह रहा हूँ कि जो आपके सरकारी बिल है ट्यूबवेल के, उसके लिए पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है सरकार के, हम बिल्कुल बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं, शासन प्रशासन हमारे सामने है, तो भी हम डरने वाले नहीं है, बिल माफ करवाएंगे, ये मेरा वादा है। धन्यवाद।